नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, क्या मैं यूट्यूब को छोड़ दूँ? मैं यूट्यूब से थक चुका हूँ, मैं भैया अब यूट्यूब नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अब क्या करूँ, मेरा तो व्यूज ही नहीं आ रहा है, एक साल से वीडियो डाल रहे हैं, क्या करें जो मेरा व्यूज आ जाए? कैमरा इधर है, बोलना इधर है, लेकिन हेलो दोस्तों, ये देखिए मैं किसी का मजाक नहीं बना रही हूँ। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी का स्वागत है शिवानी अमिलपुर ऑफिशियल में। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी बढ़िया हुई हो, व्यस्त हुई हो, मस्त हुई हो एंड स्वस्थ हुई हो। गाइज, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी के जो क्वेश्चन थे उनका रिप्लाई करने वाले हैं और उन सभी चीज़ों को आप कैसे सही कर सकते हो वो भी बताने वाले हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप सभी को सीधे पॉइंट पर लेकर आते हैं कि बताने वाले क्या हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन हो जाता है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि दीदी मेरा जो है व्यूज नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, क्या मैं यूट्यूब को छोड़ दूँ? मैं यूट्यूब से थक चुका हूँ, मैं भैया अब यूट्यूब नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अब क्या करूं, मेरा तो व्यूज ही नहीं आ रहा है, एक साल से वीडियो डाल रहे हैं, क्या करें जो मेरा व्यूज आ जाए? ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन गाइज, आप लोग बताओ, आपका जो ये कमेंट है मेरे पास आएगा, हम आपको हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप ये काम मत करो, इससे आपका लॉस होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, मैं जिस चीज़ को मना करती हूँ भाई वही करते हो, क्योंकि आप लोग को मानना है नहीं, व्यूज सबको चाहिए लेकिन जो सही रूल है उनको अपनाना है नहीं। देखो, कड़वा है लेकिन सच है। आप लोग क्या करते हो कि वीडियो को डालने से मतलब है, अरे यार हम वीडियो डालेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अरे यार आज दोस्तों हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना ढिकाना, आप लोगों ने इतना सब शूट किया, आराम से, अच्छी बात है शूट करो। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कैमरा के सामने आएंगे ना तो क्या करते हैं, कैमरा इधर है, बोलना इधर है, लेकिन हेलो दोस्तों, ये देखिए मैं किसी का मजाक नहीं बना रही हूँ, ना ही मैं किसी को ये कह रही हूँ कि आप लोग ऐसा करते हो। देखिए मैं ये तो कह रही हूँ आप लोग ऐसा करते हो, लेकिन इस चीज़ को आपको सुधारना है, ये गलतियाँ हैं आपकी। देखिए ऐसे बिल्कुल भी आपका वीडियो आगे नहीं जाएगा। हाँ, बहुत से लोगों का चला जाता है, आप लोग कहते हैं भैया जिनमें कतई वीडियो में क्वालिटी नहीं होता वो भी चला जाता है, तो उनका किस्मत अच्छा होता है, हर किसी का किस्मत इतना अच्छा नहीं होता है। तो कहियो कि जब इतना कह ही रही हो तो हमें बता दे फिर वीडियो कैसे शूट कराए। देखो हम बता दे रहे हैं, शूट करने का जो तरीका है, वीडियो को शूट करने का तरीका जो है, आप लोग जैसे फ़ोन को एकदम सीधा पकड़ो, सीधे अगर रखना है तो रख लो, पकड़ना है तो पकड़ लो, ठीक है, फ़ोन को स्टेबल कर लो। फ़ोन को स्टेबल करने के बाद आपको अपनी आँखें कैमरे में नहीं देखनी है। सबसे बड़ा पॉइंट है कि अपनी जो आंखें हैं वो कैमरे में नहीं देखनी है। जब तक आप अपनी आंखें कैमरे में देखोगे तब तक आपका वीडियो परफेक्ट नहीं बनेगा। आपको ये मतलब जो ऑडियंस है उनसे आपका आई जो बनना है फेस टू फेस वो नहीं बन पाएगा। क्या है, जैसे कि अभी आप लोग देखना, अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, सीधा सीधा लग रहा है कि आपकी तरफ देख रही हूँ, लेकिन हम जब अपनी आंखों में देखेंगे, हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है, तो क्या बताइए, ये जो अभी मैंने बोला इसमें ये लगा कि आप लोगों से बात कर रहे हैं। देखिए भाई, जब आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ फेस टू फेस बात हो रही है तब आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। यही चीज़ जरूरी है आप अपनी वीडियो में अपनाएं कि आप अपना जो वीडियो शूट करते हैं उस वीडियो को शूट करने का तरीका होना चाहिए। देखिए चाहे ब्लॉग हो, चाहे आपका टैग हो, चाहे कोई भी वीडियो हो, अगर आप फेस टू फेस वीडियो बनाते हैं तो भाई साहब आपको अपना आई कंटेंट जो भी है उसको अच्छा करना पड़ेगा। देखिए जब तक आपका आई जो ये है ये इधर रहेगा तब तक वीडियो नहीं चलेगा। सीधा सीधा आपका कैमरे की तरफ रहना चाहिए। जिस तरह आपका फ़ोन का कैमरा मतलब अगर इधर साइड है तो आप फ़ोन के कैमरे में देखें, ना कि अपना शकल देखें वीडियो में। अपना शकल बिल्कुल नहीं देखना है, फ़ोन के कैमरे में देखना है। हाँ, हालांकि 2-4 दिन इसमें आपको प्रॉब्लम रहेगा कि आपका जो वीडियो आपको लगेगा अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन वीडियो जब आप बाद में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था, दीदी आप जो वीडियो एडिट करती हो वो किस ऐप से करती हो?
देखिए भाई, मैं आपको बता दूं, मैं जो वीडियो एडिट करती हूँ वो मैं काइन मास्टर से करती हूँ। और दूसरी बात, आप वीडियो किसी भी ऐप से एडिट करते हो, अगर आपको एडिटिंग का सही रूल पता है कि आपका कितना रेशियो होना चाहिए, को कितना रेशियो होना चाहिए वीडियो बनाने के लिए, लॉन्ग वीडियो का रेशियो क्या होना चाहिए। मैंने कल अपना लाइव में पूछा लोगों से कि भाई जो वीडियो हम लोग लॉन्ग डालते हैं उसका रेशियो, तो कोई बता रहा है 9.16, कोई कुछ। तो बहुत से लोगों को रेशियो ही नहीं पता है कितना है। तो जो सही रेशियो है वीडियो को एडिट करने का वो है आपका 16:9। लॉन्ग वीडियो का है 16:9 और शॉर्ट वीडियो का है 9:16। ये आपका सही रेशियो है। अगर इसमें आप वीडियो एडिट करेंगे तो आपका वीडियो 100% अच्छा एडिट होगा। और एडिट के जो फीचर अलग अलग होते हैं उनको भी अगर आप सही से अप्लाई कर पाते हो तो बहुत ही अच्छा आपका होगा। सॉरी गाइज, ये वीडियो मैंने थोड़ा नाइट में शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को दिन में पता नहीं घंटाला हो गया था, मतलब मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने नाइट में ये वीडियो शूट किया है, क्योंकि वीडियो आप लोगों तक पहुँचाना ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आपका व्यूज क्यों नहीं आता, क्योंकि आपका जो वीडियो है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। बहुत से लोग कहेंगे दीदी हम अपना जो वीडियो है वो कैमरे की तरफ भी देख के शूट करते हैं, तो उनका प्रॉब्लम ये हो जाता है, वो लोग ऐसे ही परफेक्ट नहीं करते। हालांकि मैं इस तरह का वीडियो पहले बना चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पा रहे, उनको एग्जैक्टली वही चीज़ बताओ जो उन्होंने क्वेश्चन किया, तो एग्जैक्टली जो पूछे हो भैया वही बता रहे हैं कि व्यूज नहीं आ रहा तो आपका कमी है। आप लोग कहते हैं छोटे क्रिएटर को सपोर्ट नहीं कर रहे, भाई सपोर्ट सब करेंगे। आप अपने कंटेंट में इतना दम डालिए कि सामने वाला आपका जो कंटेंट है उसको देख के स्किप ना कर पाए, वो अगर स्किप करना भी चाहे तो उसको ये लगे भाई एक मिनट और देख ले शायद कुछ इंपॉर्टेंट हो। इसलिए अपने कंटेंट में इतना ज्यादा दम डालिए। अगर ब्लॉग है तो उसमें क्या बोले, देखिए ब्लॉग है आज के टाइम पर नॉर्मली हम लोग देखो न्यू व्यूअर होते हैं, न्यू क्रिएटर होते हैं, तो हमारी जो लाइव होती है वो सबको देखने में इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। लेकिन वहीं अगर हम अपने ब्लॉग में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्तीफुल ब्लॉग रहते हैं, जो इंसान दुखी भी हो वो भी अगर आपका वीडियो देख के खुश हो जा रहा है ना, तो आपका वीडियो ज़रूर चलेगा। तो कोई भी कैटेगरी हो उसमें कुछ ऐसा करें जिससे आपका वीडियो में लोगों को इंटरेस्ट आए और आपका वीडियो को वो लोग लाइक सब्सक्राइब करें। ऐसा मत करिए कि आप लोग सिर्फ सब और सबके पीछे भागे। मैं ये चीज़ डेली मना कर रही हूँ, डेली की डेली वीडियो में और लाइव में ये चीज़ मना कर रही हूँ कि भाई आप लोग सब और सब करना बंद कर दो, इससे चैनल बर्बाद हो जाएगा भाई। लेकिन ना 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 ना, ना हमको सब और सब करना है भैया। क्या कर लोगे सब और सब करके, लाखों में व्यूज आएंगे, लाखों में सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 1000, 10,000, इससे ज्यादा भाई सब और सब से नहीं हो पाएंगे। 10,000 अगर करवाओगे ना भाई तो उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरी बात, 10,000 सब्सक्राइबर पे भी 20 या 30 व्यूज रह जाएंगे अगर आपका सपोर्ट वाला सब्सक्राइबर है। तो सीधी सी बात यही है, कहने का मतलब यही है, अगर YouTube पे सक्सेस पाना चाहते हो तो आपसे अगर कोई ये कहता भी है भाई प्लीज सब्सक्राइब हमको करो हम आपको करेंगे, उससे हाथ जोड़ के कह देना भाई सब्सक्राइब मत करना, आप हमारी वीडियो को देख लो, पसंद आए तो कर लेना, ना आए पसंद तो मत करना। लेकिन भाई ये सब फोर सब मत करो, अगर सच में सपोर्ट करना चाहते हो भाई तो पहले वीडियो को फुल वॉच कर लो, लाइक कमेंट कर दो, उसके बाद सब्सक्राइब करियो। और ऐसा अगर रोज कर सको तभी करियो, ना तो भैया कतई ना करियो, क्योंकि भाई एक दिन आने से अगर आपके चैनल पर एक दिन वो इंसान आ रहा है और दूसरे दिन भूल जा रहा है, वही अगर अगला इंसान दूसरे दिन आके तीसरे दिन नहीं आ रहा है, वही तीसरा इंसान आया फिर वो चौथे दिन नहीं आ रहा है, तो इससे क्या होता है आपको बता रहे हैं। देखिए पहले दिन जो इंसान आपके घर आया चलो याद है, दूसरे दिन आया ठीक है, तीसरे दिन, लेकिन ये लोग आकर आपके घर रुक नहीं रहे हैं, तो जिसका ये घर है वो इंसान ये सोच रहा है ये लोग सिर्फ घूमने आ रहे हैं, इस घर में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, तो भैया इनको इंटरेस्ट नहीं है तो हम अपने घर में रेगुलर नहीं रख पाएंगे, यूट्यूब का ये मानना है। इतनी आसान भाषा में भाई साहब कोई नहीं समझाता है जैसे मैंने समझाया है, सब और सब करते हैं, लेकिन जो लोग डेली वीडियो आपके नहीं देखेंगे तो वो क्यों ना सब्सक्राइब करके रखे हों, वो भी आपका सब्सक्राइबर घट जाएगा एक दिन दो दिन 10 दिन 15 दिन। फिर आप अगला कमेंट यहीं से सुन लेना, आप लोगों ने बोला है कि मेरा व्यूज सब्सक्राइबर और वॉच टाइम घट क्यों जाता है, आ गए वहीं पर। देखिए आप लोगों के घर ये सब और सब वाले आते हैं, इनको टिकना है नहीं, आकर थोड़ा घूम फिर के चले गए, उसके बाद दोबारा आए नहीं। और फिर जो लोग हम लोग अपने घर में देखो सफाई करते हो भाई,
जो चीज इम्पोर्टेंट है वही रखते हैं, अदरवाइज कबाड़े में दे देते हैं, कबाड़े में दे देते हैं। तो यूट्यूब भी वही है, जो लोग इम्पोर्टेंट यानी कि रेगुलर हैं वही लोग आपके चैनल पर रहेंगे, अदरवाइज सफाया कर देगा। यानी कि जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं वो आपके सब्सक्राइबर घट जाएंगे, वहाँ से कट जाएंगे, घट जाएंगे। और ये आपको समझ में आ ही गया होगा व्यू सब्सक्राइबर क्यों घट जाता है। और अगला क्वेश्चन, वॉच टाइम क्यों घट जाता है। देखिए, वॉच टाइम आपका एक पॉइंट ये है कि आपकी जिस वीडियो का 365 डेज हो जाता है वो वीडियो का वॉच टाइम घट जाता है। लेकिन बहुत से लोगों का ये 365 डेज यानी कि एक साल नहीं हुआ होता है फिर भी घट जाता है। तो इसका रीजन ये रहता है कि आप लोग जो है लोगों आपकी वीडियो पे आ रहे हैं लेकिन फुल वॉच नहीं कर रहे हैं और स्किप कर करके लास्ट में कमेंट कर दे रहे हैं। जो लोग स्किप कर करके लास्ट में कमेंट करते हैं इससे भाई 90% लोगों का वॉच टाइम घट रहा है। तो आप सभी से अनुरोध बस इतना है कि सब फॉर सब बंद करो, करना क्या है, मेहनत, मेहनत करनी है और सही जानकारी, बेसिक जानकारी आप लोग रखिए। बाद बाकी कोई प्रॉब्लम है तो मैं लाइव आती हूँ, आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। बेसिक जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, सॉल्यूशन मैं दूंगी, साथ मैं दूंगी। सब फॉर सब बिल्कुल बंद कर दो। आई होप आप सभी की आंखें खुल गई होंगी इस वीडियो से, नहीं खुली हैं तो भैया पट्टी बांध लो और रोज फिर आप लोग सब फॉर सब करो। अबे ऐसे ही हुए देख के वीडियो डालो, हम भैया कुछ नहीं कहने वाले, लेकिन हमसे कौन अगर जा कही दीदी आपने सपोर्ट नहीं करो, भाई साहब हम कतई नहीं कर सकत। आप लोग मेहनत करन को तैयार हो, सपोर्ट हम करिए। आप लोग मेहनत करन को और सही जानकारी लेन के लिए तैयार हो, सही जानकारी सीखन के लिए तैयार हो, हम सपोर्ट करेंगे, हम साथ में ग्रो करवाएंगे। लेकिन सिर्फ आलसी लोगों को मैं ये सब नहीं करवा सकती, राम राम, ये सब मैं नहीं करवा सकती। जो लोग सच में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं वही कमेंट करें, अदरवाइज सब फॉर सब वाले प्लीज सपोर्ट मी, ये सब वाला काम बंद करो, समझ गए। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नाइट में इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, कोई ये ना सोचे पता नहीं कौन पागल हो गया। कोई नहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं ये भी सह लूंगी, जब तक कोई ये ना कहे ये पागल हो गया तब तक वो इंसान यूट्यूबर कहाँ बनता है। तो आप सभी से बस लास्ट में बोलते बोलते यही जाएंगे कि जुनून बना के रखो, मेहनत को आगे लाओ, सफलता कभी दूर नहीं। मेहनत रखोगे तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो अभी के लिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट। अभी के लिए जय।